झांसी रुद्र महासेना की तरफ से आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। इसमें मांग की गई है कि हाथरस में हुई घटना में आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें फांसी की सजा दी जाए। पूरे प्रदेश में हाथरस में हुई घटना को लेकर रोष प्रकट किया जा रहा है। रुद्र महासेना के अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जल्द ही आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की। ऐसा ना होने पर रुद्र महासेना बड़ा आंदोलन करेगी। हम लोगों ने यह जो ज्ञापन दिया है 14 सितंबर को हाथरस की जो बेटी है उसके साथ जो बलात्कार हुआ है और उसकी जो हत्या कर दी गई है, उसके संबंध में हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को यह ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने मांग की है कि जल्दी से जल्दी जो ये हत्यारोपी हैं इन्हें तुरंत फांसी दी जाए, नहीं तो पूरा हिंदू समाज, पूरे हिंदू संगठन सभी लोग सड़कों पर उतर करके विरोध करेंगे। जैसा भी होगा, अभी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 दिन का समय दिया है, अगर 7 दिन में कुछ नहीं होता है तो उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।